तालिबान की, भर रहा बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश। यूपी चुनाव 2022 में ओबीसी की पार्टी का ऐलान, मुख्तार अंसारी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी AIMIM। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र का दावा, ब्राह्मण साथ आएगा बसपा सरकार बनाएगी। अखिलेश से मिले भाजपा विधायक राकेश राठौर, सपा का दावा, राठौर बीजेपी एमएलए पार्टी के संपर्क में। यूपी चुनाव 2022 में अचानक रायबरेली में प्रियंका गांधी के दूसरे दिन के सारे कार्यक्रम रद्द, लौटेंगी दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी भारती समाचार, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। जनपद फिरोजाबाद में डेंगू ने इस तरह से पैर पसारे हैं कि दिन प्रतिदिन डेंगू से हो रही मौतों का सिलसिला जारी है। ऐसा ही एक मामला जनपद फिरोजाबाद के गांव मुस्ताबाद में देखने को मिला, जहां एक 22 वर्षीय बालिका ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। परिवारजनों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा, अगर मुस्ताबाद में भी मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन होता तो शायद मेरी बेटी की जान बच सकती थी, हम इलाज के लिए दर दर भटकते रहे। गत दिन पहले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद आए थे और उन्होंने मीडिया को बताया कि अब किसी भी व्यक्ति की इलाज की वजह से मृत्यु नहीं होगी। हमने शासन प्रशासन को आदेश दे दिए हैं, किसी भी व्यक्ति के इलाज में लापरवाही नहीं बरती जाएगी, मगर प्रशासन ने इस बात को गंभीरता से न लेते हुए अपनी मनमानी कर रहा है। दो चार दिन से बुखार आ रहा था, फिर इसको क्या कहते हैं ट्रामा सेंटर में ले गए और वहाँ पर क्या कहते हैं हम कर जा करते हैं। तो आप ट्रामा सेंटर कब लेके गए थे ना? शाम तकरीबन कितने समय? 2-3 दिन से बुखार आ रहा था, 12 बजे। जनपद मथुरा में जिला अधिकारी मथुरा नवनीत चहल एवं मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर रचना गुप्ता ने रेलवे कॉलोनी के पास तालाबों में मछलियां छुड़वाई। आपको बता दें कि इन मछली को लोग कहीं भी किसी भी प्रकार के तालाब, गड्ढे, नाली या गटर में डाल सकते हैं, जो मच्छर के लार्वा को खा जाएगी। इस मछली का मुख्य भोजन मच्छरों का लार्वा है। इस मछली की सबसे खास बात ये है कि ये अंडे नहीं देती बल्कि बच्चे देती है। पानी पर अंडे देने वाले मच्छरों के लार्वा को ही मच्छर पैदा करने से पहले ही ये मछली चट कर जाती है और मच्छरों की बढ़ती तादाद पर रोक लगेगी। आपको बता दें, एक कंबुशिया मछली 24 घंटे में 100 से 300 लार्वा खा सकती है। कंबुशिया मछली को ग्रो होने में 3 से 6 महीने का वक्त लगता है। गुरु में से तो ईटा इस बार ही लगाया है। अब तो सही है। जनपद बलरामपुर में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे भाजपा बलरामपुर के नवनियुक्त जिला प्रभारी त्रयवक तिवारी ने जिला पंचायत सभागार में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 5 सितंबर से 20 सितंबर तक प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें चिकित्सक, शिक्षक, वकील, साहित्यकार आदि प्रबुद्ध जनों को सम्मिलित किया जा रहा है। जिला पंचायत सभागार में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में बोलते हुए जिला प्रभारी ने कहा, 2022 का चुनाव सामने है, हम सभी प्रबुद्ध जनों की क्या भूमिका है, जिसके लिए हमारी पहचान है, उनके लिए हमें सब कुछ करना चाहिए। अपना असली परिचय हमें नहीं भूलना चाहिए। यदि हम विदेशी धरती पर जाते हैं तो हमारी पहचान एक भारतीय के रूप में होती है। आप सभी प्रबुद्ध जन स्वयं में एक संस्थान है। आप सभी को राष्ट्र निर्माण के बारे में सोचना चाहिए। इससे पूर्व जनपद आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जिला प्रभारी का स्वागत किया। जिला प्रभारी ने देवी पाटन मंदिर में पहुंचकर मां पाटेश्वरी का आशीर्वाद भी लिया। के बाद से जब भी सरकार का 2014 के बीच में भारत का जो रक्षा बजट था वो 18,000 करोड़ रुपए था इन 10 वर्षों में, और जब से हमारी सरकार बनी तब से लेकर के अभी तक ये रक्षा बजट 54,000 करोड़ रुपए का हो गया। आज पत्थरबाजी नहीं होती, आज आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही है, बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है। तो राष्ट्र की सुरक्षा, विदेश नीति, देश का सम्मान, ऐसे जो अनेक कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहे हैं, ये ऐसे प्रश्न हैं जो न केवल विचारणीय हैं बल्कि आप जैसे प्रबुद्ध जनों के माध्यम से जनता तक जाने चाहिए।
जनपद बरेली न्यायाधीश रेणु अग्रवाल अध्यक्ष जिला विद्युत सेवा प्राधिकरण बरेली की अध्यक्षता में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन 10 बजे किया गया। उद्घाटन से पूर्व जनपद न्यायाधीश ने लोक अदालत में आने वाले वाद कार्यों के लिए बनाए गए हेल्प डेस्क सेंटर पर जाकर ई चालान के संबंध में जानकारी एकत्र करी। जिला विद्युत सेवा प्राधिकरण न्यायाधीश सत्येंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि उद्घाटन के पश्चात जनपद न्यायालय परिसर और समस्त तहसील न्यायालय में लोक अदालत का कार्य किया गया। पारिवारिक विवादों के निस्तारण को गति देते हुए लोक अदालत के माध्यम से पारिवारिक न्यायालय की अदालत से 216 मुकदमों का निस्तारण हुआ, जिसमें 30 से ज्यादा जोड़ों का पुनर्मिलन कराकर उनको विदाई दी गई। उम्मीद जताई जा रही है कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 15 करोड़ से ज्यादा वसूली की जाएगी। हाँ, हम लोगों ने इस बार ई चालान पर बहुत जोर दिया है, उसके लिए हमने किसी को असुविधा ना हो हेल्प डेस्क बना रखा है। हेल्प डेस्क पे 5 लोग तैनात हैं, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के भी लोग हैं, ताकि वो उनको बता सकें कि किस थाने का मुकदमा है और कहाँ पर आपको इसकी सुविधा मिल जाएगी। उसके बाद यदि किसका स्कैन नहीं हुआ है तो हमने ई फाइलिंग काउंटर पे कुछ लोग बिठा रखे हैं, ताकि वो वहाँ से ई चालान की कॉपी निकलवा लें और कोर्ट में उसका डिस्पोजल करा लें। तो इस प्रकार ई चालान में कोई असुविधा ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। हमें उम्मीद है कि हम लोग 8,000 तक मुकदमे चालान के निपटा लेंगे शाम तक। अभी तक हमारे 10,000 से ऊपर मुकदमे निपट चुके हैं। जनपद मथुरा में महावन तहसील के विकास खंड बलदेव की ग्राम पंचायत पचावर में गांव नगला लोका की गलियों में कीचड़ का साम्राज्य बना, जिससे ग्रामीण परेशान होकर एक दर्जन से अधिक परिवार गांव से पलायन कर चुके हैं, जिसे लेकर गांव में चर्चा का विषय बनता जा रहा है। ग्राम पंचायत पचावर में गांव नगला लोका की गलियों का पानी निकासी नहीं होने के कारण भरा रहता है। पानी का निकास नहीं होने के कारण गलियों में गंदगी बनी हुई है, जिससे गांव में मच्छरों का पनपना शुरू हो गया है। गंदगी के कारण लोगों का घर से आवागमन बंद हो गया था। इस दौरान एक सप्ताह के अंदर एक दर्जन से अधिक परिवारों ने गांव से शहर एवं गांव से बाहर खेतों पर रहने लगे हैं। गांव की समस्या के बारे में खंड विकास अधिकारी बलदेव को अवगत कराया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। प्रशासन ग्रामीणों की समस्याओं को सुनेगा भी या यूं ही ग्रामीण पलायन करते रहेंगे? देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।